बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और अभी एक ब्लॉग ख़त्म किया और दूसरा शुरू कर दिया है, तो अभी हमने केक शेक काट के आ गए हैं बाहर, क्योंकि आज पाकिस्तानी होटलों में काफ़ी यानी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो हमने कहा क्यों ना आज डिनर भी बाहर किया जाए। तो अभी हम इधर आए हैं, दूसरी इस साइड पर इशा की नमाज़ पढ़ी है ये मस्जिद में, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद में, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अभी हमने नमाज़ पढ़ ली इशा की, तो इधर पास ही एक रेस्टोरेंट है, हमने कहा चले उधर जा के खाना खाते हैं या डिनर करते हैं, फिर उसके बाद आज शाम से लेके सुबह तक की जो भी रूटीन हुई रात की यानी वो आपसे शेयर करेंगे। तो अभी आज सारा दिन हम बिज़ी भी रहे हैं और ऐसा सही फील हो रहा था कि हम बिल्कुल यानी ईद का ईद है, जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा उस तरह का था। तो अभी हम बस खाना खाने आए हैं, खाना खा के फिर आपसे दूसरी रूटीन भी शेयर करेंगे घर की, फिर उसके बाद सुबह का नाश्ते का प्रोग्राम है। बच्चे बोल रहे हैं सुबह हमने नाश्ता हलवा पूड़ी का करना है, क्या करना है यानी पूरी वो सही जो ईद उल फितर असली मायने में तो ये जश्न आज़ादी ईद ही है, तो वो पूरे मायनों में फुल इंजॉय कर रहे हैं, फुल वो अपना इंजॉय कर रहे हैं कि जो जो कुछ करना है ना टॉयज ले लें, वो कर लें, ये कर लें। ईद के जैसा कोई पढ़ाई नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फुल इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। तो चले जी अभी पहले चलते हैं, पहले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपके नाइट शेयर करेंगे और सुबह की भी रूटीन शेयर करेंगे नाश्ते की, अगर प्रोग्राम बन गया बच्चे उठ गए तो। अभी हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, तो एक चीज़ तो जानने दिखाई है, ये हमारे पीछे लिखा हुआ है पे डबल इफ़ यू वेस्ट। बहुत अच्छी चीज़ है, खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, अगर खाना आपने वेस्ट किया तो आपको डबल पैसे पे करना पड़ेंगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि ये सुन्नत भी है और ये किसी के काम भी आ सकता है। अभी आजकल तो माशाल्लाह ये ट्रेंड चल रहा है कि जो भी खाना आपका बच जाए उसको पैक करवाएं, उसको ख़राब ना करें, और आप चाहे घर जाके दोबारा खा लें, कल खा लें, या किसी को रास्ते में जाते हुए बहुत आपको मिलेंगे लोग जिनके पास खाना नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो आप उनको वो पार्सल वो डब्बा दे दें, तो वो आपको दुआएँ भी देंगे और इस तरह खाना भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये ना बिल्कुल सही लिखा, अगर आपने खाना वेस्ट किया तो आपको डबल पे करने पड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। एग्री, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया ऊपर भी लिखा हुआ है परफेक्ट मेड। अगर आपने खाना हो सकता है आप वेस्ट करके जाए, मगर दूसरे बंदे को ज़रूरत हो, तो जैसा उन्होंने किया है कि अगर आपका खाना ज़्यादा है, आपने ऑर्डर ज़्यादा कर दिया, तो आप उसको पैक करवाएँ और किसी दूसरे बंदे को दे दें। मैं अभी फोकस करके आपको बता रहा हूँ। अभी हम बस खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया है जी, एक चिकन हांडी, एक हलीम और एक चिकन फ्राइड राइस है, और बस ये तीन चीज़ों का ऑर्डर है, पानी पेप्सी वगैरह सलाद वगैरह वो तो होगा। ये तीन चीज़ें हैं ना, चिकन हांडी, हलीम और चिकन फ्राइड राइस है ना। हाँ अभी ऑर्डर दिया है, तो फारे हैं, तो भूख लगी हुई है, तो हमने कहा कि उन्हें टाइम पास किया जाए, थोड़ी गेम खेल लेते हैं बच्चों के साथ। चिकन हांडी फ्राइड राइस चिकन हांडी खाने।
खाना हमने खा लिया, अलहमदुलिल्लाह पेट फुल हो गया, पेट भर गए। हमारे चावल भी बच गए, सालन भी बच गया, मगर इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको पैक करवाएंगे। खाना तो हम खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, मगर अचानक क्या हुआ, रोटी उनका कोई पता नहीं प्रॉब्लम हो गया, सिलेंडर का क्या हुआ, गैस का कोई क्या हुआ, और रोटी नहीं आ रही थी, और खाना सारा ठंडा हो गया। फिर रोटी काफ़ी टाइम के बाद आई है, तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर दोबारा उन्होंने रोटी लगाना शुरू की है। फिर वो बोल रहे थे माजत की है उन्होंने, मगर वो खाने का जायका जो था ना, एक बार वो हिल जाए, जब चलता रहे तो आपको पता है खाना खाते हुए अगर एक बार स्टॉप हो जाए तो वो फिर ज़रा टेस्ट नहीं रहता उस चीज़ का। तो खैर अलहमदुलिल्लाह खा लिया, इसीलिए खाना बच भी गया, तो हमने सोचा चलो पैक करवा लेते हैं, क्योंकि वो फिर वो मज़ा नहीं आया खाना खाने में इतना, तो हमने पैक करवा दिया। तो फिर अब चलते हैं जी। ये आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि तो मैं जरीर बुक स्टोर में गया था, तो आज का जरीर बुक स्टोर में बुकें वगैरह किताबें कापियाँ बिल्कुल नहीं बिक रही, गेमें वगैरह बिक रही हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा गेमें थी, तो मुझे एक गेम बहुत पसंद आई क्योंकि हम बचपन में भी पाकिस्तान में खेलते रहते थे वो गेम। और इधर पास में एक हमारे घर के पास ही एक जू था, अभी ख़त्म हो गया है, उस केसर में भी गेम वो गेम थी, तो फैज़ान को तो याद है, फैज़ान छोटा था मगर खेलता रहता था, वो हम अक्सर उस जू में जाते थे। तो मैंने जब ये गेम देखी, छोटी सी थी उधर ये वाली, तो जरीर बुक स्टोर में, तो मैंने उस वक्त तो उधर से नहीं ली, आगे मैंने घर में आके अमेजोन में चेक किया तो उधर सस्ती लगी हुई थी, सेम यानी साइज़ वगैरह भी सेम था, अमेजोन में सस्ती थी जैसे, और जरीर में थोड़ी महंगी लगी हुई थी, डबल प्राइस में, तकरीबन डबल नहीं थोड़ी सी महंगी थी। तो फिर मैंने अमेजोन से ऑनलाइन बुक कर ली और अभी ये गेम आ गई है अमेजोन से, तो फ्री है, बहुत एक्साइटेड है, फारिया भी बहुत एक्साइटेड है ये देखें, और फैजान भी बहुत एक्साइटेड है इसलिए गेम की वजह से, ये वाली गेम है क्या फुटबॉल वाली गेम, शायद आपने भी ये गेम खेली हो बचपन में, ये वाली गेम है टेप, तो अभी इसके खोलते हैं ये वाली गेम, और अभी ये गेम की अनबॉक्सिंग करते हैं और बच्चों को देखते हैं कि इनको खिलाते हैं कि इनको खेलनी आती भी है कि नहीं, मगर फैजान ने पहले खेली हुई है, चले देखते हैं, चलो अनबॉक्सिंग, चलो फैजान अनबॉक्सिंग करो बेटा उधर नीचे आप लोग, ये जी खोल देते हैं ना, चलो हेल्प करो, अनबॉक्सिंग हो रही है इधर, ये देखिए अब ये नहीं पता कि वही साइज तो वही, आप देखते हैं क्या है अंदर, अंदर तो और निकल लेंगे, ये देखो कैसे पीछे रखो, ये कौन जोड़ेगा,
अभी सुबह सुबह का टाइम है, फजर का टाइम ख़त्म हुआ है, अभी सूरज अभी नहीं निकला और अभी हम जा रहे हैं जी नाश्ता लेंगे इधर से। बच्चों ने बोला है हलवा पूड़ी लेनी है और हलवा पूड़ी लेके हम जा रहे हैं कार्निश पे। तो चलें जी आपको भी सुबह का नज़ारा दिखाते हैं। सुबह के टाइम कैसे परिंदे उड़ रहे हैं इधर, टाइम है और सिर्फ परिंदे हैं। और बिल्कुल खामोशी है। अभी सुबह हो गई है। हाँ जी अभी सुबह हो रही है। अभी हो गई है। हाँ जी अभी सूरज नहीं निकल रहा ना, बस निकले पानी में सूरज देखा था। अच्छा पानी में पानी में सूरज देखा था। दूसरी वाली वीडियो में आपको आपने देखा होगा। तो मास्क जहाँ कहाँ फारिया मास्क तो नीचे कर दो, वहाँ जा रहे कॉर्निश से साइकिल चलाऊंगी। क्या पापा कह रहे हैं पूरी लेट हो गई। कितनी लेट पता नहीं, एक मिनट वो मैं आके पूछता हूँ। हेलो वक्त हो गया है पूरे हो गए पैसे जी। पापा लस्सी मिशन कंप्लीट हो गया। ये लो फिर बोलो अगर तो काम ही ना चले। अगर लस्सी ना हो तो काम ही ना चले। अगर लस्सी नहीं चले तो काम ही ना हो जाए। अगर लस्सी ना हो तो काम ही ना हो। मामा से मिस हो रहा है, अब पापा से मिस हो रहा है। अब शुरू हो गया, अब ज्यादा प्रो बन रहे हैं पापा, अभी इनकी प्रोगिरी निकलती है। ये रहो प्रोगिरी लगी निकली है नहीं कोई, वो मारा ये मारा ये मारा। चलो गिरी गई है, बड़ी मुश्किल से ही गिरी है और देखते हैं। देखो अभी ये राउंड शुरू नहीं हुआ। पापा इधर ये जीप है, ये साफ फंडा मैं क्या करूँगा कर मिस हो रहा है। पंजाबी मत बोलियो। चलो कोई बात नहीं, पंजाबी बोल कितनी है तो यार। खड़े हो गए गंदी जगह।
पहले टेनिस लग जाएगा। वाओ आजो आजो दूसरी सेकंड पे चले जाना। आजो 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 उधर से स्लाइड से आओ। कितना मुश्किल का डर गई हूँ। साइड पे चली गई है ये फ्री हाई साइड पे है। परेशान मैं तो परेशान ही हो गई। परेशान ही हो गई है। चलो अब तीनों जाओ तीनों 1 2 3 गो फारिया को भी लेके जाओ।